खरगोन जिले के बरूर थाना क्षेत्र के ग्राम सिनखेड़ा के समीप मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 21 मजदूर घायल हुए हैं। वाहन में 40 से अधिक मजदूर सवार थे। घायलों के मुताबिक खेतों में मजदूरी के लिए जा रहे थे, इस दौरान हादसे के शिकार हो गए। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची और 108 के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। सभी मजदूर डोंगर चिचली के निवासी है। मजदूरों के अस्पताल पहुँचने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीजों की अधिक संख्या होने से जमीन पर लेटाकर उपचार किया गया। चिकित्सक पंकज महाजन ने बताया, 5 मरीजों की हालत गंभीर है जबकि शेष की हालत प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, ये आज एक पिकअप पलटी खा गए, तो कैसे क्या पलटी खाई सर, कैसे क्या हुआ? जैसे आज 9:45 बजे लगभग की बात है, ये ग्राम डोंगर चिचली से मजदूर भर के मजदूर है तो बरूर थाने तरफ ले जा रहा था। ग्राम डोंगर चिचली पिकअप है और अपने बरूर और सिंखड़ा के बीच में ड्राइवर ने अचानक जब पलटी खिला दी, जिसमें 15 से 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 से इलाज हेतु हॉस्पिटल रेफर किया। सर, कितनी सवारी बैठी हुई थी इस पिकअप में? इसमें अभी क्लियर नहीं है, अभी देखते जाते हैं। कितने लोगों को रेफर किया सर? अभी 15 से 17 लोगों को रेफर कर दिया है जिला अस्पताल। कहाँ की है ये गाड़ी? ये ग्राम नंबर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।